नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेहरबान है और ताबड़तोड़ टेंडर जारी हो रहा है। ताबड़तोड़ काम का जो है वो यहां पर शुरुआत हो चुकी है और जो नया जो टेंडर जारी हुआ है वो रनवे को लेकर के है। रनवे पर जो ILS लगाने की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है, जहाँ दोस्तों जो रनवे का विस्तार है या रनवे को अत्याधुनिक बनाने की जो बात हो रही है उसमें एक अहम कड़ी जुड़ गई है कि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ VFR से लेके FIFR का टेंडर जारी किया है। यानी कि जो नया टेंडर जारी हुआ उसमें जो विजुअल फ्लाइट रूल्स हैं उसको अब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि जो अभी जो विजुअली लैंडिंग और टेक ऑफ होती है वो आने वाले दिनों में इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए लैंडिंग और टेक ऑफ होगी, जो घने कोहरे में आसानी होगी लैंडिंग और टेक ऑफ कराना। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग सिविल ने जो वो है वो टेंडर जारी किया है, ई टेंडर, और 26/4 का ये टेंडर है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कन्वर्जन ऑफ VFR to IFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स से इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे शोल्डर बनाए जाएंगे दोनों साइड में शोल्डर्स, रेसा और ब्लास्ट पैड। रेसा और ब्लास्ट पैड के बारे में बता दें आपको कि ये शोल्डर हो गया, रनवे का शोल्डर हो गया, ये बनना ज़रूरी होता है। रनवे को मार्किंग होगी इसकी, और ये रेसा यानी कि रनवे एंड सिक्योरिटी एरिया इसको बनाया जाएगा, पूरी मार्किंग की जाएगी, और उसके बाद ब्लास्ट पैड ये बनाया जाएगा। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो एयरपोर्ट के रनवे को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें की जाएंगी ताकि आने वाले दिनों में जो IFR है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये करीब 12,34,000 का ये टेंडर है और जो करीब 60 दिनों में यानी 2 महीने में इसको कंप्लीट करना होगा ये सारी तैयारी। इसके बाद जो ILS की प्रक्रिया है उसके बाद शुरू होगी। तो ये बेसिक काम है, जो शुरुआती काम है इसको किया जा रहा है ताकि जो है जो अभी घने कोहरे में जो फ्लाइट डाइवर्ट या रद्द होती है उससे निपटा जा सके और आने वाले दिनों में जो अगले सीज़न में ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब IFR हो जाएगा तो IFR को कोई विजुअली ज़रूरत नहीं है देखने की, पायलट को उसे इंस्ट्रूमेंट गाइड करता है और टेक ऑफ और लैंडिंग करा देता है, चाहे घना कोहरा कितना भी हो। आने वाले दिनों में नाइट लैंडिंग की जब सुविधा होगी तो उस समय यह और काम आएगा। तो रनवे की जो मार्किंग है या शोल्डर बनाना है या फिर ब्लास्ट पैड लगाना है या फिर सिक्योरिटी एरिया को, रनवे के सिक्योरिटी एरिया को मजबूती देना, ये तमाम चीज़ें जो है सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम होती हैं। और जब VFR से IFR में कन्वर्ट किया जाता है तो रनवे को इसी तरह से मार्क करके सुंदर बनाया जाता है और उसको सिक्योरिटी के हिसाब से उसको जो है मार्किंग की जाती है। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे ब्लास्ट पैड है, शोल्डर बनाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से होती हैं ताकि जो विमान है वो स्किड करके या गलत जगह लैंडिंग ना हो या उसको स्किड करके कहीं बाहर ना चली जाए, तो ये ध्यान रखा जाता है और ये सारी चीज़ें जो है इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर घने कोहरे में फ्लाइट डाइवर्ट होने या रद्द होने की कोई संभावना नहीं होगी। और जब इस ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ILS की प्रक्रिया होगी और तब नाइट लैंडिंग की सुविधा मिलेगी यहाँ से। तो प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी है क्योंकि जब सिविल इनक्लेव बनेगा और आगे फ़्लाइट की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है 24 आवर्स यहाँ से फ़्लाइट ऑपरेट की जा सकेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से लाभ मिल सके। अभी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि VFR है, क्योंकि दिन में आपको लाइट के हिसाब से ही पायलट जो है वो टेक ऑफ और लैंडिंग कराता है, इसलिए उस रिस्ट्रिक्शन से को थोड़ा समझने के लिए ये सारी चीज़ें कवायद की जा रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज होंगे, अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।